एडवांटेज उसे नहीं मिलेगा। ये दशा और दिशा भारतीय राजनीति की 2014 में भी बदली थी और ये अब फिर से बदलने वाली है, और इसमें किसी पार्टी को तो नहीं लेकिन देश की जनता के लिए बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्लीन स्वीप का जो अभी तक कॉन्सेप्ट था, जो ज्यादातर भाजपा को मिलती चली जा रही थी, वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। और उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि भाजपा के तर्कस में जितने भी तीर थे, मोस्टली ये लोग इमोशनल पोजीशनिंग करते थे, जैसे देश के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे, वो लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। इनको बहुत मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। और उसके पीछे रीजन ये है, 2014 में भाजपा की जो USP थी सोशल मीडिया का यूज, वो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई थी। आज सारी पार्टियों को समय मिल गया है, सारी पार्टियों का सोशल मीडिया स्ट्रेटजिक टीम सब कुछ है, तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त जो है प्योर कॉम्पिटिशन पे आ गया है। कॉम्प्लेक्स हो गया है और इसी का रिजल्ट है कि भाजपा थोड़ी थोड़ी करके उसको जो है मुश्किलें आ रही हैं, उसकी विक्ट्री उतने सीटों से नहीं हो रही है। और इसमें देश की जनता का बहुत क्लीन स्वीप होना कभी भी जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। हमेशा जो है पार्लियामेंट में भी एक दबदबा पक्ष का भी होना चाहिए और विपक्ष का भी होना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से देश की पॉलिसी बन सकती है। कमजोर विपक्ष का मतलब है कि आपका लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, तो दूसरी पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं देखना चाहूँगा कि कैसे भाजपा इससे निपटती है। हालांकि उनकी टीम बहुत सक्षम है, लेकिन मैं फिलहाल बोलना चाहूँगा कि आगे आने वाले चुनाव और 2019 में ये सारा का सारा मार्जिनल गेम है।